सो भाई लोग कैसे हो। आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो, आज ना मैं देखो सिर्फ ना एज अ केजीएफ फैन, एज अ रॉकी भाई फैन में आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड भाई कुछ लोगों को मेरी बात गलत भी लग सकती है, कुछ लोगों का दिल भी दुख सकता है, बट यार मैं एज अ फैन, मेरे दिल में जो है आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, जब मैंने पहली बार केजीएफ देखी थी ना, तो मैं टोटली शॉक हो गया था। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था। मेरे को मूवी समझ आई थी, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे को मैं पहली बार देख रहा था। एंड फर्स्ट टाइम भाई मैंने एक रॉकी भाई को देखा, यश को देखा, एंड भाई प्रसाद नील का डायरेक्शन, ये सब देख के एकदम मैं टोटली शॉक्ड हो गया। एंड मैं रॉकी भाई का ऐसा फैन हुआ ना कि भाई अगले दो तीन दिन में उनकी जितनी भी मूवी थी ना, फॉर एग्जांपल रेमबो ले लो, सारी के सारी मूवी मैंने दो तीन दिन में ही देख डाली, बिकॉज रॉकी भाई का मैं इतना डायहार्ड फैन हो गया। एंड अभी आज तक की बात करना, मैं केजीएफ यार 100 बार से ज्यादा देख चुका। एंड सेट मैक्स पे जितनी बार भी केजीएफ रखी है ना, मतलब हर बार मैंने केजीएफ देखी, इतना बड़ा फैन हूं मैं केजीएफ, मतलब केजीएफ का, केजीएफ चैप्टर 1 का। एंड रॉकी भाई का भाई, उनका सिगरेट पीने का स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनकी जो हेयर स्टाइल है भाई, मतलब उनका जो स्वेग है ना, वो एक अलग ही है। मतलब उसका क्रेज इतना ज्यादा है कि आप पूछो ही मत। अच्छा देखो, मैं ना एज अ केजीएफ फैन, एज अ रॉकी भाई फैन, मैं एक बात तो मतलब है ना कह सकता हूँ भाई। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, इतना क्रेज तो ना बाहुबली 2 के लिए भी नहीं था बाहुबली के बाद, जितना केजीएफ चैप्टर 2 का क्रेज है केजीएफ चैप्टर 1 के बाद। हाँ, वो बात है कि भाई दिखता नहीं है, बट अगर आपको देखना हो केजीएफ चैप्टर 2 का क्रेज, तो आप जाके केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर ही देख सकते हो। अच्छा कुछ लोग होंगे केजीएफ के मतलब है ना जो हेटर्स, हमारे रॉकी भाई के हेटर्स, वो बोलेंगे भाई फेक व्यूज लेके आए। घंटा इसको फेक व्यूज नहीं बोलते, चलो फेक व्यूज मैं 8 चला के लेकर आई भी हूँ, तो कितने लेकर आए होंगे। अब जाके व्यूज लोग पागल हो जाओगे। एंड देखो, मतलब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 का जो क्रेज बना हुआ था, उसको मतलब यार कहीं ना कहीं कम क्यों कर रही है लोग। बिकॉज यार देखो यार, हम केजीएफ से केजीएफ फैन, यार कुछ लोग फैंस मेरे से एग्री करेंगे यार, हम वेट करते हैं, हम वेट कर रहे थे अधीरा के बर्थडे का, हम वेट कर रहे थे हमारी रवीना टंडन एंड भाई हमारी जो श्रीधि शेट्टी है उन लोग के बर्थडे का। बिकॉज यार कम से कम बर्थडे पे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, बट घंटा हमारे साथ चूतियापा हो गया। बिकॉज हमको लग रहा था कि अधीरा के बर्थडे में एटलीस्ट एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा, कोई अच्छा पोस्टर देखने को मिला, तो घंटा उनके अधीरा के बर्थडे के मतलब संजय दत्त के बर्थडे पे भी हमको चूतिया बनाया जाता है। उसके बाद हमको लगा चलो श्रीनिधि शेट्टी मतलब एक मेन हमारी हीरोइन है, तो हीरोइन के बर्थडे पे कुछ तो देखने को मिलेगा हमको, मतलब रॉकी भाई के साथ कोई अच्छा कोई मतलब कोई पोस्टर देखने को मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जिससे ना मतलब हमारी जो उम्मीद है ना, मतलब वो एक जो क्रेज बना हुआ है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए। तो घंटा हमको एक पिक्चर देखने को मिल गया। एंड रवीना टंडन के बर्थडे पे भी हमारे साथ वही खेल होता है। अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि भाई अगर हमको रवीना टंडन एंड श्रीनिधि शेट्टी के सिर्फ हमको फोटो ही देखने, जो कि उनके रियल लाइफ के फोटो या फिर शूटिंग के फोटो ही देखने हमको, तो घंटा हम जाके उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे या ट्विटर के अकाउंट पे भी देख सकते हैं। यार मतलब कुछ तो सोचो यार, आप केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर हो या फिर मेकर हो, जो भी हो यार, हम वेट कर रहे हैं भाई, एटलीस्ट कुछ तो लेके आया करो। एंड हमको उससे देखो, अगर आप लोग दिखाओगे नहीं तो हमको तो मतलब उतना तो इंतजार तो वैसे रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो केजीएफ चैप्टर 2 है। बट यार हमको कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, ये तो समझा करो यार। देखो प्रशांत नील साहब से एक ही बात है, देखो अब तो हमको लग रहा है कि भाई सीधा तो हमारे रॉकी भाई के बर्थडे के टाइम पे हमको सीधा ट्रेलर ही देखने को मिलेगा, बिकॉज उनके बर्थडे के 2-3 महीने बाद मूवी रिलीज होती है। देखो उनके बर्थडे का तो वेट करना पड़ेगा, उनके बर्थडे पर या फिर कोई शो या फिर कोई ट्रेलर कुछ ना कुछ उनके बर्थडे पर देखने को मिलेगा। बिकॉज यार इतने मतलब बड़े बड़े एक्टर के बर्थडे चले गए, उनके बर्थडे पे हमको कुछ देखने को नहीं मिला, तो भाई अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अब कुछ देखने को मिलेगा। अब तो आप रॉकी भाई का वेट ही करते रहो, रॉकी भाई के बर्थडे का वेट ही करते रहो, उनका वेट करने के अलावा हमके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उनके बर्थडे का वेट करो और क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज यार, मेरा दिल तो बहुत टूटा है, बिकॉज रवीना टंडन का जो मैंने कल जो पिक्चर देखा है जो प्रशांत नील के साथ, वो बंदा हमको समझा रहा है भाई, वो लुक जो हमने देखा हो तो पहले टीजर में ऑलरेडी देख लिया था। तो हमको देखो एक्चुअली आपने हमारी जो श्रीनिधि शेट्टी के बर्थडे पे हमने आपने हमको कुछ नहीं दिया, कुछ दिखाया नहीं, तो हमको वैसे ही कोई उम्मीद नहीं थी कि आप रवीना टंडन के बर्थडे पर हमारे लिए कुछ स्पेशल करोगे। एनीवेज हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यार प्लीज़ यार अब तो कोई उम्मीद नहीं, अब तो रॉकी भाई के बर्थडे पे आप आओगे, इन बर्थडे पे कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रॉकी भाई है। एनीवेज यार बहुत ही ज़्यादा मेरे को वो फील हो रहा है, बेकार फील हो रहा है कि यार कुछ तो दिखा देते। एनीवेज यार मेरा दिल तो टूट गया। आप लोगों का क्या रिएक्शन है कि भाई दो मतलब दो नहीं तीन तीन बर्थडे चले गए, अजीरा का बर्थडे चला गया, श्रीनिधि शेट्टी का बर्थडे चला गया, रवीना टंडन का बर्थडे चला गया, बट केजीएफ के मेकर्स की तरफ से कुछ बड़ा हो ही नहीं रहा है। भाई यार मेरे को बहुत बहुत सैड फील हो रहा है। भाई आप लोगों का इस बात पे क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटर है, लव यू, हाय, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।